वेलकम बैक टू माई चैनल यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे में कुकिंग में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने कच्चे कॉर्न्स ले लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से मक्के से मैंने छुड़ा लिया है। और इसे गर्म होने के लिए मैंने रख दिया थोड़ा सा एक और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। पानी में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और इसमें हम कॉर्न को डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कलर के अनुसार मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है कलर आने के लिए और इसे चला लेंगे। तब तक इसमें उबाल आते हैं तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इसमें उबाल आ चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये उबल चुका है। तो ये देखिए अब हम इसमें फिर से गर्म होने के लिए दे दिए हैं पैन को और इसमें थोड़ा सा हम सरसों ऑयल यूज़ करेंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल जो है वो गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। तो ये देखिए जीरा जो है जल चुका है तो अब इसमें कॉर्न को डाल देंगे। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है कॉर्न को। अब हम इसमें जो भी मसाले आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, पहले कॉर्न को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको चलाते रहना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा ही मैंने डाला है और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। आप लोग देख सकते हैं लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसे बस 2 मिनट मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको भून लेना है। मसाले सभी में मिक्स होने चाहिए। थोड़ा सा इस पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये भून चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक बाउल मैंने ले लिया है उसमें मैं निकाल लेती हूँ सारे कॉर्न को। थोड़ा गर्म है इसलिए मैं चम्मच से ही निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने सभी कॉर्न को निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। दिखा देती हूँ आप लोग को कितनी बढ़िया, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं लेकिन हम इसे स्पाइसी बनाएंगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर। तो यहाँ पर मैंने चॉप करके प्याज कट किया था वो इसमें मैंने डाला है। थोड़ा सा मैंने टमाटर कट किया है एक, वो मैंने इसमें डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा हरी मिर्च। अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। मैंने आधा नींबू इसमें निचोड़ लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी बनके तैयार है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।